ये है देखिए, ये खिल रहा है, पूरे दांत देखिए कितने बड़े हैं इसके। आज हमारा अंदर स्टे है यहाँ फाटो, रूम नंबर 1 है हमारा। ये देखिए रूम बहुत अच्छा है, और ये इसका वॉशरूम। कितनी बार देखा आपने टाइगर? टाइगर मैंने कम से कम 10-11 बार, जब हमारा जोन नहीं चालू हुआ था तब मैंने देखा था। दोस्तों ये जो रोड है ना, ये बिल्कुल नंदौर की याद दिला रहा है। आस पास में टाइगर तो बहुत है। एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारा टायर पंचर हो गया। ये देखिए झटके से 2 या 3 सेकंड लगाएगा बस। अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बंदर बोला, वो देखो सामने, वो कॉल कर रहा है ऊपर बंदर। दोस्तों हमारा टायर पंचर हो गया और ये बंदर अलार्म कॉल कर रहा है। ये देखिए टाइगर आने वाला है दोस्तों। दोस्तों अभी भी टाइगर बोला, आपने सुना संदीप जी? एक बार बोला, बोला ना एक बार। हाँ आवाज भी आई है और एक कॉल भी दे रहा है। सुनो टाइगर इधर है आपकी साइड पे। जा रहे हैं यहाँ पे फाटो में नाइट स्टे पे, अचानक रास्ते में देखिए हमने बताया हाथी है। हाँ, थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा सा आगे। तस्कर है वो, देखिए अंदर हाथी है। तो तस्कर है वो, उसके दांत है। देखिए यहाँ पे हाथी खड़ा हुआ है। देखिए लिट्टी और उसकी आदमी कैसे देख लिया यार, ये यहाँ पे तो लकड़ी तोड़ने का ना। अच्छा तुम कहाँ जा रहे थे इधर से? ओह पीछे सवार यार दिख गई आगे, उन्हें भी दिखा। हाँ सब दिखा, सब देख रहा हूँ। यही मिल गया, अभी तो फाटो पहुँचे भी नहीं है। देख रहे हैं अपन को? हाँ पूरे दांत बहुत बड़े हैं इसके। अब गया, अब मूव कर रहा है, अब नहीं दिख रहा है। पूरा दांत देखिए कितने बड़े हैं इसके, बहुत बड़े दांत है इसके। एक ही जगह पे खड़ा है, बस मूव कर रहा है हल्का हल्का सा। हाँ राहु, हाँ चले, स्कूल की बस भी आ रही है। चलो क्या पता आइए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं है, एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं स्टे पे फाटो में। तो रास्ते में हमें गजराज दिख गए, बहुत बड़े दांत थे इनके। बाकी देखते हैं, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, फॉरेस्ट में क्या दिखता है। चलो दोस्तों हमारी जो सफारी है वो स्टार्ट हो गई है। आज हमारा अंदर स्टे है यहाँ फाटो। ये फाटो का जो गेट है, मेन गेट, जहाँ से अभी हम अंदर आए हैं। तो यहाँ जो चेकिंग वेकिंग है, जो आधार कार्ड वगैरह चेक होते हैं, वो परमिट्स वगैरह सारे वो चेक हो गए। तो देखते हैं आज जंगल के राजा दर्शन देते हैं कि नहीं। बाकी हाथी तो आते टाइम ही दिख गया था, टस्कर था काफ़ी बड़ा। और अभी आज थोड़ी सी गर्मी भी है, तो वाटर होल के पास चांसेस हैं कि हमें टाइगर दिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी सफारी फाटो जोन में, देखते हैं आज कहाँ मिलते हैं जंगल के राजा। तो दोस्तों आ गए हम लोग जंगल के अंदर। अब यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ हमें थोड़ी कॉल लगेगी कि अलार्म कॉल्स हो रही है या कोई भी ऐसा साइन, वो उस रूट को फॉलो करेंगे। खासकर हाँ इस वाले से कहते हैं, तो हम लोग वाटर होल के पास अभी दोपहर के टाइम ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि थोड़ी गर्मी है, तो हो सकता है कि टाइगर वाटर होल के पास दिख जाए। ये वॉच टावर है, हाँ मेरे ख्याल से बंद कर रखा है, इस पे जा नहीं सकते ना। हाँ आज तो स्पॉटेड भी नहीं है।
तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने एफरएच में, बस यहाँ एंट्री करेंगे, सामान रखेंगे और फिर दोबारा निकल जाएंगे सफारी के लिए। चलिए जी पहुंच गए हम लोग अपने एफआरएच में, अब सामान वामान रखते हैं, एंट्री करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रूम है, सामान वामान लेके जा रहे हैं हम लोग अंदर ये, और ये पीछे ही वाटर का कुछ वाटर होल टाइप बना रखा है। रूम नंबर 1 है हमारा। तो ये है रूम, ये देखिए रूम बहुत अच्छा है, और ये इसका वॉशरूम है। गुड, अच्छा है। जंगल में इतना में मिल जाए तो, और इतना अच्छा मिल जाए तो बात ही अलग है। पानी बहुत है, ये देखिए बर्ड्स भी हैं कुछ। तो यहाँ पे रात को डीएस वगैरह जरूर आते होंगे, क्योंकि जो फेंसिंग है वो इधर अंदर की साइड हो रखी है और पानी बाहर है, तो पक्का यहाँ पे जानवर आते होंगे। शाम के टाइम मोमेंट होती होगी और कॉल्स वगैरह भी सुनाई देगी। तो दोस्तों हमने सामान रख दिया है, हमारी एंट्री हो गई है यहाँ पे। रूम्स वगैरह तो बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल न्यू। वॉशरूम भी इतना क्लीन, बिल्कुल मज़ा आ गया देखकर। क्योंकि ये जो पुराने वाला था ना, अब तो खैर इसमें ये अधिकारियों के लिए है, सरकारी है, तो ये क्योंकि बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का है, तो उतना अच्छा नहीं था मैं आया था तो। बट ये जो अब न्यू रूम्स बनाए हैं, वहाँ भी बनाए हैं रूम्स, वो देखिए वो सारे रूम्स हैं, तो बहुत ही अच्छा बना दिया अभी फ़िलहाल तो। रात को दहाड़ वहाड़ सुनाई तो देती होगी? हाँ आवाज़ आती है, 11 बजे आती है, 10 हाँ 9-10 11 बजे नेट रिहर्स वो है भी। अभी जब शाम को आएंगे ना तो चल के देखेंगे प्रॉपर। तो सब बुक है, अभी ओपनिंग नहीं हुआ, वो पहले का चालू है। अच्छा वो अभी अभी तो बनी, बन करके अब फिट हुआ है वो, बनी वानी नहीं आता। कितनी बार देखा आपने टाइगर? टाइगर मैंने कम से कम 10-11 बार, जब हमारा जोन नहीं चालू हुआ था तब मैंने देखा था। और खुलने के बाद? और खुलने के बाद दिखता है, सबसे ज्यादा होता है मोमेंट, क्योंकि ये अभी भी दिखेगा। अभी कल जो गेस्ट गए हैं उनको भी दिखा है ये, इधर तुम्हारे क्या नाम है, खैरानी में, खैरानी एक बच्चे और एक टाइगर। आसपास नहीं दिख रहा है ये, इसके एफआरएच के आसपास नहीं, यही दिखता है जैसे रपटा हो गया ये, जब जहाँ से आप आए हैं। एक वाटर होल है यहाँ पे पीछे, ट्री हाउस के पीछे, उसमें आ रही है नहीं फीमेल पहले, यहाँ है सामने, हाँ वहाँ पे दिखता है। तो रात को खूब अलार्म कॉल और दहाड़ वगैरह भी आवाज आएगी, दहाड़ भी। हाँ वही पे। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं अब, क्योंकि 4 ऑलरेडी बज चुके हैं और हमारे पास जो टाइम है वो 2-2.5 घंटे का है अभी। वैसे 6 बजे तक का टाइम है, तो थोड़ा सा जो स्टे पे रहते हैं उनको थोड़ा फालतू टाइम मिल जाता है। तो देखते हैं आज साइटिंग होती है कि नहीं, क्योंकि पहले भी फाटो किया था अभी 2 दिन पहले, तो कुछ भी साइटिंग नहीं हुई थी, बस डीएस वगैरह दिखे थे और हाथी भी नहीं दिखा था, ढेला में भी नहीं दिखा था, मतलब हम लोगों को नहीं दिखा था, बाकी लोग जो थे उनको 2-4 लोगों को दिखा था। और टाइगर की साइटिंग जब लास्ट टाइम 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था तो किसी को भी नहीं हुई थी। तो चलिए देखते हैं आज शाम के टाइम क्या होता है, क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादातर शाम के टाइम ही शुरू होती है। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, खाने का ऑर्डर दे देंगे अभी, ये कैंटीन है यहाँ पे, तो यहाँ ऑर्डर देने के बाद फिर हम लोग ऐसे निकल जाएंगे, और शाम को जब आएंगे तो जो हम ऑर्डर देंगे वो खाना प्रिपेयर करेंगे वो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सफारी। निकल गए हम लोग सफारी पे, अब ढूंढना शुरू करेंगे टाइगर को, या वाइल्ड लाइफ देखना शुरू करेंगे, सिर्फ टाइगर को ही नहीं सोचेंगे, पूरी वाइल्ड लाइफ देखेंगे। दोस्तों ये जिस जगह पे लेकर आए हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं 100 एकड़, और इस जगह पे ज़्यादातर जिप्सी जाती नहीं है, जो डे सफारी वाले आते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते संदीप जी? इधर लंबा पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, तो ये काफ़ी लंबा पड़ता है, इसलिए वो लोग अपने टाइम से बाहर निकलना होता है उनको। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे में हैं आज, तो हम घूम सकते हैं आज आराम से इस जगह को। तो देखते हैं, काफ़ी ठंडा भी है अभी, हो सकता है ऑल फॉरेस्ट। हाँ ऑल साल फॉरेस्ट। भालू भी दिखता है ना इधर बहुत ज्यादा दोस्तों, यहाँ पसंदीदा एरिया है। हाँ ये भालू भी बहुत दिखता है यहाँ पे, और जिस दिन इससे पहले हम लोग आए थे उस दिन एक गाड़ी को भालू दिखा भी था, तो हो सकता है भालू भी दिखे, हो सकता है सब कुछ। तो
अच्छा इधर धूल वूल नहीं है ज्यादा है ना, और डेंस बहुत है। लेकिन दोस्तों ये जो रोड है ना, ये बिल्कुल नंदौर की याद दिला रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंस है कि जिप्सी से जो झाड़ियाँ हैं वो टकरा रही हैं। और इस वाले रूट पे जहाँ हम चल रहे हैं, इस पर हम इससे पहले नहीं आए हैं। जब उसका दिल होगा तब वो हमें दिखेगा, होगा तो आसपास ही किसी झाड़ी में आराम से बैठा होगा। इस टाइप का फॉरेस्ट काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि यहाँ ना इतनी एक तो भीड़ भाड़ नहीं है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे खूब सारे स्पॉटेड डियर हैं। ये देखिए कितने सारे हमारी तरफ ही देख रहे हैं, ये धूप में खड़े आराम से। ये उनके रात का ठिकाना हो गया। आसपास में टाइगर तो बहुत है, आसपास में टाइगर होता ना तो ये आवाज़ करते हैं। अभी अलार्म कॉल सुन रहा, दोस्तों डियर्स हैं खूब सारे। ये देखिए ये मेल है, इसके पीछे भी देखा था मैंने, फीमेल भी है। हो सकता है यहाँ पे स्टेज कॉल, अगर बहुत देर तक बोलता है तो स्टेज कॉल भेज दो। इतनी देर तो बोलता नहीं ना, इसने देख लिया है। अरे पीछे नहीं था? हाँ वही मैं भी बोलने वाला था आपको, एग्जैक्टली थोड़ा पीछे लो, दोनों तरफ से दिखे। दोस्तों यहीं पे बोल रहा है जंगल फाउल। कितना डेंस है ये दोस्तों, झाड़ियाँ टकरा रही हैं जिससे से। हाथी के फुटप्रिंट भी लगे हुए हैं दोस्तों, हाथी के फुटप्रिंट भी लगे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों। जगह जगह यहाँ पे देखिए ये पेड़ गिरे हुए हैं, और क्योंकि ये ग्रीन है बिल्कुल, अभी सूखा नहीं है, इसका मतलब अभी ये आजकल की ही है, मतलब आज आज की है ये, क्योंकि देखिए नीचे खूब सारे फुटप्रिंट भी लगे हुए इसके एलिफेंट के, तो हाथी हो सकते हैं यहाँ पे अभी। ये देखिए एलिफेंट डंग भी है यहाँ पे, इतनी पतली सी जगह का सामने हाथी आ गया या हाथियों का झुंड आ गया तो हालत ख़राब हो जाएगी गाड़ी घुमाने में। और भी एलिफेंट डंग हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए जगह जगह पड़े हैं एलिफेंट डंग, जगह जगह उनके फुटप्रिंट हैं और पेड़ टूटे हुए हैं। ये देखिए ये सामने भी, ये पूरा हाथी है इसका मतलब। अब जंगल के अंदर कहीं चले गए होंगे अलग बात है, लेकिन ये निशानी है यहाँ पे कि हाथी हो सकते हैं। इतना घना जंगल है दोस्तों, देखिए बिल्कुल नंदौर वाला फील आ रहा है। तो लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है, या तो कॉल वगैरह हुई है, क्योंकि यहाँ खूब सारी जिप्सी खड़ी है एक जगह पे। वाटर होल है ना वहाँ पे ग्रीन वाला, तो दोस्तों यहाँ लग रहा है कॉल वाल हो रही है, यहाँ हो सकता है किसी ने देख लिया हो। नहीं,
नहीं पहले देख लिया हो और यहाँ पे आके खड़े हो कि इधर को घुसा है टाइगर, ऐसा भी होता है। चेहरा बता देना चेहरा। हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारा टायर पंचर हो गया ये देखिए, और शाम का टाइम है और ये जितनी जिप्सी खड़ी है देखिए सामने सब वेट कर रही है, यहाँ टाइगर है आसपास में। एक जिप्सी वाले ने देख लिया है, अब संदीप जी उतर के जिप्सी का जो टायर है वो चेंज करना है इन्होंने, तो हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर चारों तरफ देखते रहेंगे, थोड़ा सा ओपन एरिया में रखना ठीक है। बस बस उधर डेंस हो जाएगा फिर, बस बस इतने पे रखो, उधर डेंस हो जाएगा, नहीं तो नहीं उतरना नहीं हम लोगों को, खड़े हो जाएंगे। आप ना इधर देखना, हम लोग इधर देख रहे हैं आगे पीछे ठीक है। एक साइड देखो, एक साइड देखो। तो दोस्तों बहुत डेंजरस टाइम चल रही है अभी, एक तो शाम हो गई है, ऊपर से टाइगर किसी ने यहीं पर देखा है पास में, तभी ये सारी जिप्सी खड़ी थी और यहीं टायर पंचर हो गया हमारा। बंदर चलिए, ऊपर बंदर है तो थोड़ा ये है कि बंदर आवाज़ करेगा, ये देखिए इधर से अचानक से जंगल फाउल ने बोलना शुरू किया है। जंगल फाउल कई बार क्या होता है ना, टाइगर जैसे बैठा भी है ना अंदर, हमें तो नहीं पता सर आएगा झटके से, 2 या 3 सेकंड लगाएगा बस। इसलिए कहते हैं कि जंगल में तेज तेज की बोलना चाहिए, कभी भी गश्त वाले होते हैं ना तो वो भी तेज तेज की बोलते हुए जाते हैं। सही बात है दोस्तों, अभी संदीप जी की क्या हालत होगी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी भी जस्ट यहीं पे आस पास में टाइगर दिखा रहा है। गाड़ी आ रहा है, कुछ पंगा तो नहीं? नहीं, वो तो चले जाएंगे। पूरी में खड़ा दोस्तों, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सामने, ये देखिए इनमें से एक गाड़ी को यहीं पे टाइगर दिखाया अभी। ठीक है बच्चे वाली है ना यहाँ पे, तो वो कभी भी कर सकती है हमला। तो दोस्तों हम लोग हर तरफ देख रहे हैं, ये क्या आपका ये गेट खोल दो थोड़ा सा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप फटाफट भाग के अंदर आ जाना। ये लो मैंने खोल दिया ठीक है, ये गेट खोल दिया है, कुछ भी लगे तो फटाफट अंदर बैठ जाना। ये राइट साइड से डेला वाली वो है जहाँ से हम स्टार्टिंग हमने गेस्ट हाउस से निकलते सीधे गए थे। एवरीवन बी वेरी अलर्ट, ही इज बेंडिंग नाउ। और झाड़ी ऊपर से बंदर है ना, बंदर बोला अंदर आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बंदर बोला वो देखो सामने, वो कॉल कर रहा है ऊपर बंदर, ये देखो ये वाला बंदर कॉल कर रहा है नीचे देख कर, देख लेंगे उसने देख लिया टाइगर सामने से निकल सकता है, ये कर रहा है दोस्तों। अंदर आ जाओ चुपचाप ऐसे खड़े रहना दोस्तों, हमारा टायर पंचर हो गया और ये बंदर अलार्म कॉल कर रहा है, ये देखिए टाइगर आने वाला है दोस्तों, नीचे आ रहा है दोस्तों, टाइगर यहीं से क्रॉस करेगा, अभी यहाँ से क्रॉस करेगा दोस्तों टाइगर। दोस्तों टाइगर हमारे राइट साइड पे है, अच्छा हुआ आप अंदर आ गए, अभी गेट खोल दिया था मैंने, पीछे भी कॉल करना, पीछे से भी क्रॉस हो सकता है। नहीं 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 टाइगर उसने देखा है उधर, नहीं यहाँ देख के कॉल किया है, उसने नीचे देखा है टाइगर, बंदर है बंदर है, टाइगर यहाँ पे है यहाँ पे, क्योंकि टाइगर अगर यहाँ होता ना तो ये वाले बंदर करते, इधर भी दोस्तों बंदर है बट
उस वाले ने उधर देखा है नीचे, मैं देख रहा था जूम करके कैमरे में, टाइगर इतनी दूर से निकलेगा कहीं से। बंदर जंप नहीं मारेगा अगर टाइगर है? नहीं नहीं नहीं, मारता है बोलने के बाद। टाइगर आसपास में है, ये देखिए। ये तो मेन वाला है। ना 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 ना, ना। नट भी ढीले कर दिए कह रहे हैं, नट भी ढीले कर दिए मैंने तो। वो जिप्सी के पास आ गया तो हम कहीं भाग नहीं सकते हैं। चल जाएगी फिर टाइट करके पिंचर में चला दूंगा। हाँ वो टायर पीछे निकला हुआ है, वो तो डाल देंगे पड़ा है, बाहर पड़ा है। बाप रे बाप, क्या कंडीशन है हमारी। दोस्तों पीछे ना बंदर, बंदर का स्टंपिंग क्या कर रहा है ये टाइगर, वो चैलेंज कर रहा है क्या? तो हमारा जो टायर है ना बाहर निकाल के पड़ा हुआ है। टायर जब तक स्टेप टू ढीली कहाँ था, एक मिनट है निकालो। नहीं है नहीं इधर कंप्लीट बंदर बोल रहा है, बोल तो रहा है। नहीं वो जो बोल रहा है ना ज़्यादा नहीं, मुझे लगता आपस में बोल रहे हो, इधर उधर सेटल हो रहे हैं। पूरी हरकत है बंदर की, क्वाइट नहीं है। अगर उस साइड से पीछे से क्रॉस होगा तो जिप्सी वालों की मूवमेंट से पता चल जाएगा। ये बात के आएंगे ना, करो करो आप करो। टाइगर आपकी तरफ नहीं है, टाइगर टाइगर इधर की तरफ है, इधर इधर की तरफ है। दोस्तों ये देखिए, हम दोबारा काम शुरू कर दिया हमने, मतलब संदीप जी ने, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। टाइगर से नहीं है, ये दुआ मनाओ कि हाथी ना आ जाए बस, है ना। मैन चीज हाथी है, टाइगर से हमें डर नहीं है, अगर हाथी आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम इधर देख रहे हैं, ये इधर देखेंगे। दोस्तों देखिए क्या हाल हो जाता है जंगल में, कभी ऐसा हो जाए तो, जब मंकी कॉल कर रहा हो, किसी ने टाइगर देखा हो और टायर पंचर हो जाए या जिप्सी खराब हो जाए। इसलिए मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया, ये गेट, ये देखिए। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो ये भागकर अंदर आ जाएंगे जैसे अभी आ गए थे। देखिए वहाँ जंगल फॉल भी बोल रही है, उधर ही जहाँ बंदर ने देख के किया अलार्म को, इधर। आराम से आराम से आराम से, क्या हो गया? अरे जल्दी बनाओ ना। अच्छा कुछ चला यहाँ पे राइट साइड पे, मुझे लग रहा है वो है जंगल फाउल है।
अभी नहीं। टाइम क्या होगा? साढ़े पाँच। हाँ ये सब निकल रहे हैं। 200 बाकी जिप्सियाँ सब जा रही हैं, वो देखिए, क्योंकि इनका टाइम हो गया है, अब इनको जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमारा स्टे है। हाँ बाकी बात चले गए सब लोग, सिर्फ दोस्तों सिर्फ हम लोग हैं अब यहाँ पे अकेले ऐसी कंडीशन में। वो देखिए वो जिप्सी भी चली गई। अब पूरे जंगल में हम लोग अकेले। हाँ अभी वहाँ पे है जिप्सी, सारी उधर चली गई सारी जिप्सी पानी पे। दोस्तों सब लोग उधर चले गए, हम लोग अकेले हैं यहाँ पे। एक जिप्सी आ रही है। उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा, तो दे देगा। मांग के देखो एक बार, दोस्तों सब लोग जा रहे हैं, अब टाइम हो गया सबके जाने का। दोस्तों अभी भी टाइगर बोला सच में। ये टायर को भी बाद में डाल दूं मैं, क्या कहता हूं। हां ये तो अभी स्टैमिना ऐसे डाल दूं। हां ऐसे ही डाल दे इसको। किधर है बेटा? तीनों लोग ने एक ही स्विच पर डॉक्टर खींच दे उसको। लाओ दे मुझे, कम ऑन पिक अप लाड दे दे। हां इसको रखना है, बताएंगे। ओ लाद मेरे भाई, बस काय के ले मिला दूंगा। आगे आगे से मिल जाएगा पानी से। क्या इसको कहां रखना है? ये मैं रख दूंगा सर, आप कोई मेरा पहले इसको रख दो। पहले डॉक्टर इस तरह है क्या? हां थैंक यू वेरी मच। इसको एक बार आप कस दो तब मैं ऊपर चढ़ूंगा। ये बाहर को आ रहा है, एक एक बार घुमा दोगे ना तो फिर मैं ऊपर चढ़ दूंगा। सर टायर इधर रख दो। टायर लगा दिया मैंने, लगा दिया ना। ऊपर बंदर भी है दोस्तों। अभी जब हम लोग टायर चेंज करा रहे थे तो उस टाइम पे टाइगर की रोर आई है। आपने सुना संदीप जी? एक बार बोला बोला ना एक बार। उस टाइम हम लोगों ने ये रख दिया था, मैंने मोबाइल रखा। अभी थोड़ा जोर जोर से बातें करते रहो। जब अभी हम लोग टायर लगा रहे थे ना, और जब एक बार रोड किया है, क्योंकि आप लोग बात कर रहे थे तो जो आए थे ना जो हेल्प कर रहे थे, उन्होंने सुना, उनके जिप्सी वाले सबने, मैंने से पूछा रो रहे हैं, तो उन्होंने भी सिर हिलाया से। गाइड बैठी थी ना उसने भी सिर हिलाया से। भाई मैं तो कहता आगे उधर कर दो, इसमें छोड़ दो। टायर का मामला है, निकल जाएगा तो। कॉल दे रहा है, आप आ जाओ अंदर। दूसरी एक कॉल दे रहा है फिर से। नहीं आवाज भी आई ना? हाँ आवाज भी आई है, एक और कॉल भी दे रहा है। हल्की सी, हल्की सी। सुनो सुनो टाइगर इधर है आपकी साइड पे। इसने देख लिया, इसके बाल पूरे खड़े हो गए रोंगटे, ये देखो। वो गया ना अभी ठीक? हाँ। ओ चलो जी फाइनली फाइनली बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो 5 मिनट। आप बैठो ना, आज तो आपको हम इनाम देंगे। तो दोस्तों यहाँ बड़ा गजब ही हो रहा है ऊपर। तो भी बहुत बढ़िया था, क्या नाम था उसका? उसका मोहिन। अलार्म कॉल, ऊपर अलार्म कॉल चल रही है। अभी अभी बंदर बोल रहा था। तो यहाँ से हम लोग निकल गए क्योंकि टाइम होने लगा है। पिंक वाटर एक मिनट रोकना, एक मिनट।
इतना ही। हाँ हाँ सब बहुत सारे टीयर है यहाँ पे। तो दोस्तों टायर पंचर हो गया था इसलिए लेट हो गए हम लोग यहाँ पे, बट अभी भी 5-7 मिनट ही लेट पहुँचे हम लोग, पहुँच गए हम लोग। चलिए थोड़ा लेट हो गया इसलिए गेट बंद कर दिया इन्होंने।